जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पैम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, स्पैम जो वर्ड है वो अक्सर आपको आपके डिवाइसेस जैसे मोबाइल फोन, आपका कंप्यूटर हो गया, आपका लैपटॉप हो गया, ऐसे डिवाइसेस में उसको देखने मिलता होगा, सुनने मिलता होगा। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आखिर ये स्पैम होता क्या है? स्पैम के जो मैसेजेस होते हैं, जो भी ईमेल्स होते हैं, वो करता कौन है, वो किस तरीके से किए जाते हैं? तो दोस्तों, अगर आपको नहीं पता है तो इन सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। तो दोस्तों, यहां पर सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर ये स्पैम होता क्या है। तो दोस्तों, यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोई भी ऐसा मैसेज जिसकी जानकारी आपको नहीं है, जिसको आपने जनरेट नहीं किया है, फिर चाहे वो आपके ईमेल पर आए, आपके नॉर्मल मैसेज पर आए, आपके किसी सोशल मीडिया अकाउंट पर आए, वो सारे के सारे मैसेजेस स्पैम के अंदर काउंट किए जाते हैं। वो कॉल्स भी स्पैम के अंदर काउंट की जाती हैं, जिन कॉल्स से आपका कोई रिलेशन नहीं है, आपने ना उन कॉल्स को कभी किया है, ना उन कॉल्स के बारे में आप जानते हैं। तो दोस्तों, ये जो बहुत सारे हमारे मैसेजेस आते हैं, ईमेल्स आते हैं, ये सारे के सारे स्पैम की कैटेगरी में आते हैं, और इस स्पैम को हम कई बार डिजिटल जंक के भी नाम से जानते हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि आखिर इन स्पैम वाले ईमेल्स को, मैसेजेस को या कॉल्स को करता कौन है और क्यों करता है। तो दोस्तों, ये एक सोची समझी स्ट्रेटजी के तहत होता है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, वो चाहती हैं कि हमारे प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग हो, हमारे कंपनी, हमारे बिजनेस को एडवर्टाइज किया जाए। इसके लिए वो हायर करती हैं स्पैमर्स को। जी हाँ दोस्तों, स्पैमर्स वो लोग होते हैं जो स्पैम करते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर होता क्या है कि वो कंपनियाँ उन स्पैमर से कॉन्टैक्ट करती हैं और बोलती हैं कि हमारे इस एडवर्टाइजमेंट को आप लोगों तक पहुँचाइए। अब वो स्पैमर्स क्या करते हैं, किन्हीं भी रैंडम फ़ोन नंबर्स को लेते हैं, ईमेल्स को लेते हैं, सोशल मीडिया अकाउंट्स को लेते हैं, और एक बल्क में उनको एक सिंगल मैसेज को वो भेज देते हैं। ऐसे में आपको लगता होगा कि मेरे पास तो ये एक मैसेज आया है, इस स्पैम को मैं हटा सकता हूँ। लेकिन दोस्तों, वो जो स्पैमर उस मैसेज को भेजता है, वो बहुत सारे लोगों को, यानी कि एक लार्ज ऑडियंस तक भेजता है, और ये कहीं ना कहीं एक सोची समझी स्ट्रेटजी के तहत किया जाता है, ताकि जो भी स्पैम किया जाए वो लोगों तक पहुंच सके, लोग उसके बारे में कहीं ना कहीं जानने की कोशिश करें। तो दोस्तों, ये होता है पूरा प्रोसेस जहां पर स्पैम को एक यूज़र तक पहुँचाया जाता है। अब बात आती है कि अगर आपके स्मार्टफोन पर, आपके कंप्यूटर पर बहुत ज़्यादा स्पैमिंग होती है, बहुत ज़्यादा ईमेल्स, वेस्टेज वाले ईमेल्स आते हैं, कुछ फ़ोन नंबर से कॉल्स आते हैं जिनका आपसे कोई मतलब नहीं है, आपको नॉर्मल मैसेजेस आते हैं, तो उनको आप कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, उनको आप कैसे कम कर सकते हैं? रोक तो आप नहीं सकते, क्योंकि स्पैमर्स ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्सन है, स्पैमर्स लाखों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में है, तो आप ऐसे तो किसी को रोक नहीं सकते। लेकिन आप एंटीवायरस का यूज़ कीजिए, जो क्या करता है कि ऑटोमेटिकली किसी भी स्पैम के अंदर आने वाले मैसेज को ब्लॉक कर देता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको कह सकते हैं, कोई भी किसी नंबर से बार बार कोई स्पैम वाला मैसेज कर रहा है, तो उस नंबर को आप ब्लॉक कर दीजिए, उस ईमेल को आप ब्लॉक कर सकते हैं। ये काम आप कर सकते हैं आप अपने मोबाइल को स्पैम से सेफ रखने के लिए। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें।